ये वोट की नौबत आपके बीच में क्यों आई कि आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने तो 5 वर्ष के लिए विधायक यहां से चुन करके 2 वर्ष पहले भेजा था, क्यों 5 साल के लिए ही चुना होगा, परंतु आज 2 साल में ही उस विधायक ने आपको चुनाव में झोंकने का काम किया। उंगली कटवा करके शहीद होना चाहते थे, किसान आंदोलन की आड़ में किसानों के एक छत्र नेता बनने की ख्वाहिश पाले हुए थे। आपके बीच में उसी में कह दिया कि जब तक ये तीनों कृषि काले कानून वापिस नहीं होंगे, आपकी समस्याओं से आपको निजात नहीं मिलेगा, तब तक मैं विधानसभा की दहलीज भी नहीं देखूंगा, जो यही कहकर के इस्तीफा दिया था ना। तो क्या तीनों कृषि काले कानून वापिस हो गए? क्या आपको आपकी समस्याओं से निजात मिल गया? तो फिर क्यों आज विधानसभा का दरवाजा दिखाई देने लग गया? और अब थोड़े दिन पहले उससे भी बड़ी बात घमंड में कह दी कि मैं तो इलाहाबाद में वोट मांगने के लिए भी नहीं जाऊंगा। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, फिर क्यों आज सुबह 6 बजे से लेकर के रात के 1 बजे तक 3 पीढ़ी के लोग आपके दरवाजे दरवाजे पर नाक रगड़ते हुए घूम रहे हैं? तो ये अहम और ये जो मैं है उसकी वजह से ही सारा सत्यानाश करने का काम किया। अपनी बात तो रोज खराब करने का काम करते ही करते हैं, परंतु इस 86 साल की उम्र में बुढ़ापे में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात को भी रोजाना खराब करने का काम करते हैं। पिछले चुनाव में चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला गांव गांव में आप लोगों के बीच में आए और उन्होंने आपसे कहा कि बेरवाड़ा वासियों, मैं तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने के लिए आया हूं, आप मेरी आय की राखियो, इस पे फूल चढ़ाइयो। आपने उनकी बात रखी, उस पे फूल चढ़ाने का काम किया। हमने भी उनकी बात को तवज्जो दी, कहीं कोई विरोध नहीं किया। उसका परिणाम ये रहा कि उनका एकमात्र विधायक विधानसभा का दरवाजा देख पाया, परंतु उसने घमंड में चकनाचूर होकर के सर्व सत्यानाश करने का काम किया और चौटाला साहब की बात भी खराब करी। आज वो फिर इस 86 साल की उम्र में बस पे चढ़ा दिए, गांव गांव आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, आपके यहां भी आ लिए होंगे। उनसे पूछना कि चौटाला साहब, आप तो कहकर के गए थे कि अंतिम बार वोट मांगने आया हूं, ये अंतिम बार है या पहले से फिर सिलसिला शुरू हो गया? इसी तरीके की बातें करके पार्टी का सर्व सत्यानाश करने का काम भी किया। आपको ध्यान होगा कि विधानसभा के चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन जन एक बात कहता था कि भाई हरियाणा प्रदेश में अगली सरकार इनेलो की बनेगी, कहते थे ना, परंतु कभी पार्टी से दिग्विजय को निकलवा दिया, कभी दुष्यंत को निकलवा दिया, कभी मेरे को निकलवा दिया, कभी किसी और को निकलवा दिया, एक छत्र राज करने की सोच ली, सब कुछ हड़प कर लिया। उसका परिणाम क्या रहा ये आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो। मैंने तो जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये पार्टी भी तुम्हारी, झंडा भी तुम्हारा, डंडा भी तुम्हारा, ये पार्टी का चुनाव निशान भी तुम्हारा, पार्टी का फंड भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे और 27% वोट जो मिले हैं ये भी तुम्हारे, परंतु आप इन सारी चीजों को संभाल करके रखना, हम तो अपना नया घर बसा लेंगे। परंतु क्या संभाल पाए? क्या आज क्या हालात हो गए? 27% वोट से घट करके आ गए 1.8% वोट पे, और वो 8% भी चौटाला साहब की कई बात पे आपने दे दिए। इलाहाबाद से 8% मिल गए इसलिए 1.8 हो गए, नहीं तो 1% था। पूरे हरियाणा प्रदेश में नोटा को भी इनसे ज्यादा वोट मिले थे, ये हालात पार्टी की बना दी। और आपके सामने जो 20 विधायक थे उनको घटा करके ले आए 1 पर। मैं तो थोड़े दिन पहले लोगों के बीच में कहता था भाई, थोड़े दिन के बाद में आप पूछा करोगे
जिसकी एक होती थी इनेलो, आज वो एक भी नहीं रही, शून्य हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? ये हालात किसने पैदा किए, किसने बनाए और आपको भी चुनाव में झोंकने का काम किया? ताकत मैं में नहीं, ताकत हम में होती है। आपके सामने अगर हम संगठित हैं तो जमीन के जर्रे को उठा करके आसमान के चांद और सितारों में बदलने का काम भी कर सकते हैं। हम अगर इकट्ठे हैं तो आसमान के चांद और सितारों को तोड़ करके आपके कदमों में बिछाने का काम भी कर सकते हैं। और मैं जिस दिन आ जाए तो उस दिन तो सर्व सत्यानाश होता है। मैं तो रावण की भी रही क्या कहीं, उसका घमंड भी चकनाचूर हो गया। दूसरी तरफ आपने हरियाणा प्रदेश में एक होनहार नौजवान को विपरीत परिस्थितियों में, जहां जुमा जुमा चार दिन पहले नई पार्टी बनाई थी, लोकसभा के चुनाव आ गए, जींद का उपचुनाव आ गया, हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव आ गए, जहां तीन तीन चुनाव झेलने का काम किया, वहीं आपके प्यार सहयोग और आशीर्वाद की बदौलत, आपके लाड और दुलार की बदौलत उस नौजवान ने 10 विधायक हरियाणा प्रदेश की असेंबली में जितवाने का काम किया। और मुझे ये कहते हुए गर्व और फख्र होता है कि रिकॉर्ड मतों से, कोई 58,000 से, कोई 52,000 से, कोई 38,000 से, कोई 34,000 से जीत करके आपके विधायक आए। 10 की संख्या जहां विधायकों की हुई, वहीं हरियाणा प्रदेश के जागरूक मतदाताओं ने लाड और दुलार के बदौलत 17.5% वोट भी जननायक जनता पार्टी के पक्ष में डालने का काम किया। ये ताकत हम में थी। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज उसी की बदौलत वो नौजवान हरियाणा प्रदेश की सत्ता में भागीदार हुआ। काम तो सत्ता की ताकत से होते हैं, इस्तीफों से नहीं होते। इस्तीफे से अगर समाधान होता तो क्या हो जाता? दूसरी तरफ उस होनहार नौजवान ने हरियाणा प्रदेश की असेंबली के चुनाव में आपसे जो वायदे जननायक जनता पार्टी के घोषणा पत्र के जरिए किए थे, उनको कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज हरियाणा प्रदेश के 75% नौजवानों को रोजगार का अधिकार हरियाणा प्रदेश के असेंबली में कानून बनवा करके पारित करने का काम किया कि नहीं किया? हरियाणा प्रदेश की माताओं और बहनों को 50% पंचायती राज में भागीदारी दिलवाने का, सम्मान देने का काम कानून बनवा करके किया कि नहीं किया? हरियाणा प्रदेश की महिलाओं को गांव गांव में जो ये आपके राशन के डिपो है, इनमें 33% हिस्सेदारी बनवाने का कानून किया कि नहीं किया? 8% बैकवर्ड क्लासेस के नौजवानों को, लोगों को पंचायती राज संस्थानों में हिस्सा दिलवाने के लिए कानून बनवाने का काम किया कि नहीं किया? और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए वायदे किए थे, उन वायदों को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जहां कानून बनवाने का काम किया, वहीं अनेक दूसरी योजनाओं को भी आपके बीच में लागू करवाने का सिलसिला जारी है। आपके बीच में जो बुढ़ापा पेंशन 5,000 देने की बात की थी, उसे 500 रुपए बढ़वाया और निकट भविष्य में फिर बढ़वा करके उसे 5,000 रुपए तक की गड्डी आपके जेब में डालने का काम भी किया जाएगा। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, जैसा अभी आपके बीच में गोपाल जी ने कहा कि अवसर आप लोगों के पास आया है, आपके एक वोट की ताकत से चुनी चुनाई सरकार आपको 3 साल के लिए मिल रही है। आप लोग संगठित होकर के 30 तारीख को अपने एक एक कीमती वोट के जरिए गठबंधन के प्रत्याशी को यहां से भारी बहुमत से जिता करके भेजने का काम करें। आपके द्वारा लगाई गई वो मोहर जो कमल के निशान का बटन दब करके लगेगी, वो आपके इलाके में प्रगति और विकास लेकर के आएगी, खुशहाली लेकर के आएगी, सुख और समृद्धि लेकर के आएगी। और लंबे समय से जो आप अपोजिशन की राजनीति को झेल रहे हैं, उससे मुक्ति दिलवा करके 3 साल सत्ता का सुख भोगने का अवसर आपको प्रदान करेगी। पर इसके लिए आपसे भी गुजारिश और विनती करूंगा
कि आप आपसी छोटे मोटे मन मुटाव गिले शिकवे शिकायतों को दूर करके जाति पाति धर्म और मजहब के बखेड़े से ऊपर उठ करके बोरे जेवड़ी की छोड़ करके 36 बिरादरी के लोग एक झंडे के नीचे संगठित होकर के 30 तारीख को सुबह सवेरे नहा धोकर के परम पिता परमात्मा को वाहेगुरु को अल्लाह ताला को जीसस क्राइस्ट को साक्षी मान करके गठबंधन के सांझे प्रत्याशी अजीज गोविंद कांडा के चुनाव निशान कमल के बटन का निशान दबा देना। फिर आप लोगों गमंड से भी मुक्ति मिलेगी। फिर किसी विधायक के दरवाजे पर जाकर के आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि विधायक जी का मूड कैसा है। मूड ना गोविंद का बिगड़ता ना गोपाल का बिगड़ता ना मेरा बिगड़ता। आधी रात को भी दरवाजे पर दस्तक देकर के अपने काम करवाना, राज की मौज लूटना।